आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इजिप्ट एयर के विमान का अपहरण करने वाले 27 साल के युवक की पहचान हो चुकी है। इस युवक का नाम इब्राहिम समाहा बताया जा रहा है। ये शख्स मिस्र का ही रहने वाला है और इसका मकसद केवल अपनी पत्नी तक एक संदेश पहुंचाना था। फ्लाइट MS-181 को फिलहाल सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, जबकि फ्लाइट में सवार करीब 81 यात्रियों में से 4 विदेशी नागरिक और कैबिन क्रू के सदस्यों के अलावा सभी यात्रियों को आजाद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले हाईजैकर ने अपने लिए ट्रांसलेटर की भी मांग की थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त ये एयरपोर्ट लार्नाका एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये सभी फ्लाइट्स अब डाइवर्ट कर दी गई हैं पाफोस के लिए। वहीं जो वहां का लोकल मीडिया है उनके हवाले से ये खबर आई है कि ये हाईजैकर 27 साल का है और ये अपनी पत्नी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता था। इसने पायलट को इस्तांबुल फ्लाइट डाइवर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन पायलट ने ईंधन की कमी का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो साइप्रस का रहने वाला है युवक और युवक अपनी पत्नी तक संदेश पहुंचाना चाहता था। इब्राहिम इस युवक का, इस हाईजैकर का नाम बताया जा रहा है। ये अभी भी फ्लाइट के अंदर ही मौजूद है, क्रू मेंबर्स मौजूद हैं और 4 विदेशी नागरिक भी इस वक्त फ्लाइट में ही मौजूद हैं। ये वो हाईजैकर है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 27 साल का ये मिस्र का ही रहने वाला इब्राहिम बताया जा रहा है। दरअसल अपनी पत्नी तक एक संदेश पहुंचाने के लिए उसने ये हाईजैक किया है, ऐसा उसका कहना है। अब से कुछ ही देर पहले उसने ट्रांसलेटर की मांग की थी ताकि वो अपनी बात रख सके। स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस मकसद से इस प्लेन को हाईजैक किया गया था? देखिए, आप जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये आतंकी डिजाइन नहीं बल्कि एक पर्सनल मोटिव, एक निजी मोटिव के तहत जो है इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया। ये शख्स इब्राहिम समाफा इसका नाम बताया जा रहा है। ये 27 साल का है, कम उम्र नौजवान है और मिस्र का ही रहने वाला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एक जो पहले पत्नी रह चुकी है, एक्स वाइफ, उसे वो एक चिट्ठी पहुंचवाना चाह रहा था। वो लार्नाका में ही है और जिन लोगों ने इससे संपर्क साधे हुए थे, जो लोग निगोशिएट करने के लिए, जहां उन लोगों से उन्होंने एक ट्रांसलेटर की भी मांग की, साथ साथ ये भी कहा कि चिट्ठी देना चाह रहा था अपने पत्नी को, तो ऐसा लगता है कि इसमें एक निजी मोटिव जो है उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रसल्स में जिस बॉम्बर ने खुद को उड़ाया था धमाके से, याद हो वो डिपार्चर हॉल था एयरपोर्ट का, डिपार्चर हॉल के पहले बॉडी स्कैन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ सवाल खड़े होंगे कि ये शख्स आखिरकार एक्सप्लोजिव बेल्ट पहनकर फ्लाइट पे चढ़ा कैसे, विमान में उसे आखिर बोर्ड करने की इजाजत कैसे मिल गई। ये तमाम जो है सिक्योरिटी के सवाल आगे चलकर इनके जवाब ढूंढने होंगे अथॉरिटी। स्मिता, कई सवाल है, एक तो ये दाखिल कैसे हुआ, दूसरा सवाल ये कि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि एक से ज्यादा हाईजैकर हो सकते हैं, तीसरा मकसद पर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, चौथा ये कि अगर इस तरह की मंशा थी, पर्सनल मोटिव था, तो पहले जब भी बातचीत रही होगी ये मकसद सामने नहीं आया, और अभी क्या ताजा स्थिति है, क्या जितने भी क्रू मेंबर्स और जो यात्री विदेशी बताए जा रहे थे जो अभी भी फ्लाइट के अंदर हैं, उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनकी क्या स्थिति है? नहीं देखिए, जहां तक जो तमाम जो 4 बताए जा रहे थे कि विदेशी नागरिक अभी तक एयरलाइन के अंदर हैं, जिनकी रिलीज को लेकर जो है बातचीत जारी थी, लेकिन जो जानकारी है कि कम से कम 10 अमेरिकी नागरिक इस विमान में सवार थे, साथ ही साथ इसमें 4 ब्रिटेन के नागरिक थे और 1 आयरलैंड का रहने वाला नागरिक भी था। अब इनमें से कौन से वो 4 विदेशी नागरिक हैं जिनको नहीं छोड़ा गया, जिनको अभी तक बंधक बनाकर जो है निगोशिएशन जारी है, उस पर अभी तक कोई साफ कोई से नहीं बता पा रहा है। जाहिर सी बात है कि सभी लोग थोड़ा संभल कर भी यहाँ पर ऐसे संवेदनशील हालात में बात करते हैं, ताकि गलती से भी जो है किसी की जान ना चली जाए। और ये शख्स जो है, अब ये जो एयरप्लेन के जो अथॉरिटीज हैं या जो साइप्रस के जो अथॉरिटीज हैं, उनका ये कहना है कि इसमें पर्सनल मोटिव भी ज्यादा पूरी तरीके से जो है सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। स्मिता, वहाँ की लोकल मीडिया के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी भी नेगोशिएशंस जारी हैं, बातचीत चल रही है? बातचीत जारी है, संपर्क साधे हुए हैं, क्योंकि 55 जो दूसरे पैसेंजर्स थे उनमें से 51 लोगों को कुल मिलाकर छोड़ दिया गया था। 4 विदेशी नागरिक जो कि विमान के पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उनको नहीं छोड़ा गया था और 7 जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा गया था। तो इस शख्स को, क्योंकि अगर ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो इसका मतलब है
कि अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा है, इसकी जुबान में दिक्कत है और इसीलिए वो चाहता है कि कोई ऐसा आए शख्स जो कि ट्रांसलेट कर सके। और शायद यही वजह है कि शुरुआती रूप में जो है कोई भी डिमांड नहीं किए गए थे। याद हो कि जब हम आतंकी हमलों की बात करते हैं, IC-814 का एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है, उसमें आमतौर पर लोग अपनी शर्तें रख देते हैं कि भाई आखिर चाहिए क्या, लेकिन इस मामले में जो है उस तरह से शर्त सामने नहीं रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, तमाम जानकारी के लिए आपका। स्मिता शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रही कि किस तरह से पूर्व पत्नी तक संदेश पहुंचाने के लिए इस हाईजैकर ने इस पूरे हाईजैक को प्लान किया था। हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए, कैसे हुआ ये सब? देखिए जब निरंकुश हो जाए।